नमस्कार सलाम नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कैपिटल पर। दोस्तों, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस की सीरीज शुरू की थी हमने, उसका जो हमारा अगला टॉपिक है वो है NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक। इससे पहले हम लोग हमारे जो 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्होंने अभी तक उनको नहीं किया तो एक बार जाकर उनको वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिया है, एक बार देख लीजिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, तो इन यहाँ पर भी आप हमें जुड़ सकते हैं, इनका लिंक भी आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक। कि नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है, इसको कब सेटअप किया गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी जो मेन स्कीम्स यानी कि प्रमुख योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बात करते हैं इसकी, फुल फॉर्म जो मैं बता भी चुका हूँ, नेशनल हाउसिंग बैंक इसकी फुल फॉर्म है। इसको जो सेटअप किया गया था, सेटअप यानी कि स्थापित कब किया गया था, वो 9 जुलाई 1988 को इसको सेटअप किया गया था। और किस एक्ट के तहत, NHB एक्ट यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत इसको 9 जुलाई 1988 को क्या, कब किया गया, बनाया गया, सेटअप किया गया। हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आवास बैंक। क्लियर है बात। अब इसको किस 5-ईयर प्लान के तहत सेटअप किया गया था, मैंने नाबार्ड में बताया था, नाबार्ड को 6th 5-ईयर प्लान यानी कि 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत सेटअप किया गया था। इसको जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना 5-ईयर प्लान 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको सेटअप किया गया था। और एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी यानी कि हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी उस समय, हाई लेवल कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगा राजन इसके अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे पूछे कि जिस कमेटी ने NHB को बनाने के लिए रिकमेंड किया था, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सी रंगराजन थे। 7th 5-ईयर प्लान के तहत इसको सेटअप किया गया 9 जुलाई 1988 को। और कौन सा एक्ट था, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। अब आइए बात करते हैं इसके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में, कि कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, और इसकी मैनेजमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो जितना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जितने भी टॉपिक किए हैं सबका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किया था, इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, तो सबसे मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव्स है वो है जो हमारी देश की हाउसिंग मार्केट है उसको प्रमोट करना, ताकि मतलब एक हेल्दी मार्केट तैयार करना, एक साउंड मार्केट, कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट तैयार करना। तो टू प्रमोट हेल्दी साउंड एंड कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग मार्केट। इन इंडिया कि जो हाउसिंग मार्केट है उसको एक हेल्दी, ताकि उसके अंदर ज़्यादा फ्रॉड ना हो, मतलब लोगों के साथ ज़्यादा ठगी ना हो, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो लोगों से पैसा लेती हैं, देती हैं, लेकिन बाद में वो भाग जाती हैं, ठीक है। तो हेल्दी साउंड एंड कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट तैयार करना। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव्स है कि जितने भी लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो NHB प्रोवाइड करवाते हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक प्रोवाइड करवाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक या कोई फाइनेंशियल कंपनी प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म का लोन हो या लॉन्ग टर्म का लोन हो, वो अफोर्डेबल होने चाहिए उनके ऊपर, मतलब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगनी चाहिए। अगर मान के चलो 100 रुपये का लोन दे दिया और उसके ऊपर 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दी, तो ये तो वैसे ही कि 100 रुपये के 150 रुपये देने पड़ जाएंगे। लेकिन इसी चीज़ को रोकने के लिए NHB का जो एक प्रमुख उद्देश्य है वो है टू मेक अफोर्डेबल
अफोर्डेबल हाउसिंग क्रेडिट, हाउसिंग क्रेडिट को अफोर्डेबल बनाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है, ताकि लोगों को कम से कम ब्याज देना पड़े। क्लियर है बात। उसके बाद इसका एक ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में ही बताया था कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस या बैंकिंग बैंक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हो या प्राइवेट सेक्टर के, इस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, उन सभी के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय स्थापित करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू मेक द कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द हाउसिंग मार्केट इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज। क्लियर है बात। जितने भी इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज है जो इस मार्केट के अंदर काम कर रही है, उनके बीच क्या करना, समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन बनाना। अब आइए कुछ और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यदि जितने भी इंस्टीट्यूशंस जो काम करते हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम कौन करता है, NHB करता है, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि उनके बीच जाकर सुलह करवाएगा। कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित करेगा, पॉलिसी बनाकर कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा। तो यहाँ पर अगला जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज सुपरवाइज द फाइनेंशियल कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ NHB एक्ट। जो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम है, उसके तहत जितनी भी कंपनियां हैं उनको रेगुलेट, उनको रजिस्टर, उनको सुपरवाइज करने का काम भी कौन करता है, NHB करता है। क्योंकि NHB का जो दायरा है वो उसके एक्ट के अंदर जितनी भी शर्तें या रूल्स, रेगुलेशंस, नियम लिखे हैं उनके अंदर उनका दायरा, मतलब एक्ट के तहत क्या कर दिया जाता है, दायरा फिक्स कर दिया जाता है कि इन रूल्स, रेगुलेशंस, नियमों के अंदर रहकर ही आपने काम करना है। और एक ऑब्जेक्टिव आप हर जगह लिख सकते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि चाहे कोई भी पॉलिसी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई बोर्ड है, कोई कमीशन है, जब भी उसको बनाया जाता है तो सभी का एक प्रमुख उद्देश्य होता है, वो है देश के आर्थिक विकास में योगदान देना। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं टू कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि देश के आर्थिक विकास में क्या करना, योगदान देना। तो ये थे इसके प्रमुख उद्देश्य। अब आइए बात करते हैं इसकी प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, क्या प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, किसकी, NHB की, नेशनल हाउसिंग बैंक की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं। मेनली तीन ही योजनाएं हैं। जो पहली है वो है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। शहरी इलाकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई, वो थी नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। इस योजना के तहत 2022 तक जितने भी शहरी इलाकों में लोग रहते हैं जिनके पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं है, उनको क्या करना, पक्का मकान देना, जो हमारी देश की सरकार है उसने लक्ष्य रखा था 2022 तक। तो इसकी जो प्रमुख पहली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। दूसरी है रूरल हाउसिंग, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। दूसरी योजना कौन सी है, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। और तीसरी है क्रेडिट रिस्क
गारंटी फंड स्कीम। तीसरी योजना कौन सी है? क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड स्कीम। मेनली जो इसकी योजना है वो यही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, और दो और ये स्कीम है लेकिन इम्पोर्टेंट यही है प्रधानमंत्री आवास योजना। दूसरी है रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, और तीसरी है क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड स्कीम। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 9 जुलाई 1988 को NHB एक्ट 1987 के तहत की गई, 7th 5-year plan के तहत की गई, और एक हाई लेवल कमेटी जिसने इसको बनाने के लिए रिकमेंड किया था वो कौन सी थी? डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली कमेटी थी। क्लियर है बात? उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स में क्या किया कि एक हमारे देश की हाउसिंग मार्केट को हेल्दी साउंड बनाना, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, जितने भी इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर काम कर रहे हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाना और उनको रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना, देश के आर्थिक विकास में योगदान देना। तो ये तमाम इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, और इसकी स्कीम मेनली प्रधानमंत्री आवास योजना ही है, बाकी दो आप याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हमारा टॉपिक होगा एक्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।